मेरा नाम शालिनी उन्नी कृष्णन था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। क्या कोई नहीं रोकेगा इसे? ये सीन देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि लड़कियों के सामने कितना बुरा हो रहा है। आपके अंदर का वो कट्टर रिलीजियस आदमी बाहर आ रहा होगा कि कैसे हमारी धर्म की लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। ये मुस्लिम्स तो बहुत बेकार है, बहुत खराब है। तो कांग्रेचुलेशन, आप इनके ट्रैप में फंस गए, इनका प्रोपेगेंडा पूरा हो गया। ये जितनी भी बातें आपने केरला स्टोरी के बारे में सुनी होगी वो मिसलीडिंग, फॉल्स इन्फॉर्मेशन और पूरी तरीके से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। और ये सब मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा, इन सबके पूरे प्रूफ मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं। तो जानते हैं आज की वीडियो में क्या है इस मूवी का सच। इस मूवी को अगर शॉर्ट में बताऊं तो इस मूवी में कहा गया है कि केरला में कैसे हिंदू क्रिश्चियन लड़कियों का फोर्स्ड कन्वर्जन करवाया गया इस्लाम में और उन्हें ISI ज्वाइन करवाया गया। इस फिल्म में बताया गया है कि ये चीज 32,000 लड़कियों के साथ की गई है, जो कि टोटली गलत है। जब इस फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से पूछा गया कि आपको ये 32,000 लड़कियों वाली इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो इनके पास नाम के लिए बस दो प्रूफ थे। पहला कि 2010 में केरला के फॉर्मर CM ओमन चैंडी ने असेंबली में कहा था कि 2006 से लेकर 2012 तक 2600 करीब लड़कियां इस्लाम धर्म में परिवर्तन हुई, लेकिन इसमें ना ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया। किसी भी लड़की को ना ISI ज्वाइन करवाया गया, ना ही किसी को अफगानिस्तान, सीरिया वगैरह भेजा गया। और इनका दूसरा नापात्र प्रूफ है केरला के CM VS अच्युतानंद का एक इंटरव्यू, जिसे फिल्म के टीजर में भी लगाया गया ताकि फिल्म जेन्युइन लगे। सबसे पहली बात ये कि ये इंटरव्यू मलयालम में था, तो अगर आपको मलयालम नहीं आती तो आपको सबटाइटल पढ़ के समझना पड़ेगा, लेकिन फिल्म को जेन्युइन दिखाने के लिए इस सबटाइटल के साथ भी छेड़छाड़ करी गई मिसलीड करने के लिए। असल में इन्होंने कहा था कि PFI यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है पैसे देकर ताकि वो अपना धर्म बदल ले। और मूवी के टीजर में इसी बात को सबटाइटल में घुमा फिरा के ये दिखाया गया है कि केरला 20 साल में इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन दोनों के स्टेटमेंट में कहीं पर भी ISI, अफगानिस्तान, सीरिया में ले जाना, फोर्स्ड कन्वर्जन करवाना, लव जिहाद, इनमें से किसी भी बात का कोई मेंशन नहीं करा गया। ये जो पूरी कहानी है ये केरला के 4 औरतों पर निर्धारित है जो अपनी मर्जी से केरला छोड़ के अफगानिस्तान गई और बाद में इनके हस्बैंड्स को अलग अलग अटैक्स में अफगानिस्तान में मार दिया गया। और इन चारों लड़कियों में से एक पहले से ही मुसलमान थी, दो क्रिश्चियनिटी से मुसलमान बनी थी और बस एक लड़की ने हिंदुइज्म से इस्लाम को अपनाया था। इनके हस्बैंड्स के मरने के बाद इन्होंने इंडिया में आने की रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें आने से मना कर दिया। इस फिल्म में बताया गया है कि करीब 32,000 लड़कियों को लव जिहाद में फंसा के उन्हें ISI ज्वाइन करवाया गया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट के हिसाब से 40,000 फाइटर्स 110 कंट्रीज से ISI को ज्वाइन किया। ICSR की एक रिपोर्ट के हिसाब से 41,000 पीपल 80 कंट्रीज से ISI में लिंक है। इन दोनों रिपोर्ट के हिसाब से करीब 40,000 लोगों ने दुनिया भर से ISI को ज्वाइन किया है। और इस मूवी का दावा है 32,000 लोग, वो भी इंडिया के एक राज्य से। अगर इंडिया की बात करें तो अमेरिका ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म ने एक रिपोर्ट के हिसाब से सितंबर 2020 तक NIA को करीब 34 टेररिज्म केस मिले, जिसमें से 160 लोगों को अरेस्ट किया गया था इंडिया में ISI रिलेटेड काम के लिए। एक और रिपोर्ट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के हिसाब से 2014 से 2018 के बीच इंडिया में करीब 200 IS केसेस थे और इनमें से केरला में सिर्फ 40 केसेस, और इन 40 में से भी सबने ISI ज्वाइन नहीं किया। इनमें से कुछ खुद ISI के थे और यहाँ पे लोगों इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इन सबसे तो पता चलता है कि ओवरऑल कितने केसेस ISI के आए हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने लोग गए हैं ISI को ज्वाइन करने इंडिया छोड़ के। US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने बताया है कि करीब 66 इंडियन लोग हैं जिन्होंने ISI को ज्वाइन किया है, सिर्फ 66, और इसमें से 13 औरतें हैं केरला से, सिर्फ 6 औरतें हैं, जिसमें से 3 पहले से ही मुसलमान थी, 2 क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आई है और सिर्फ 1 हिंदुइज्म से इस्लाम में। फिल्म में बात हो रही है 32,000 और रियलिटी है बस 3 लड़कियों के साथ ये सब हुआ है। अब बहुत से लोगों को यहाँ पे कहना होगा कि ये फॉरेन देशों की रिपोर्ट है, इसे हम क्यों माने। ये बात लोग तब नहीं बोलते जब कोई फॉरेन कंट्री हमारे देश की तारीफ करती है, मतलब तारीफ पर खुश तो होना है लेकिन रियल रिपोर्ट्स को सच नहीं मानना। ये सारी बातें जो आपको केरला स्टोरी के बारे में बताई गई हैं, ये सब इसलिए बताई गई हैं ताकि इस मूवी को फ्री की पब्लिसिटी मिले और ये मूवी दबा के पैसा कमा सके, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। लेकिन जब ये बात कोर्ट में पहुंची तब इनकी हालत खराब हुई और ट्रेलर के डिस्क्रिप्शन में से 32,000 को गायब कर दिया और सिर्फ 3 को लिख दिया। इस पूरी 2.5 घंटे की मूवी में ये 32,000 लड़कियों वाला आंकड़ा सिर्फ 1 बार इस्तेमाल किया गया और लोग फिर भी ये बात नहीं समझते, और समझेंगे भी कैसे जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर तक इस फेक मूवी को प्रमोट करेंगे। उस केरला के में चल रही
आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि खुद इनकी होम मिनिस्ट्री से एक रिपोर्ट निकली थी कि करीब 155 एक्यूज थे जो ISI ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे इंडिया से। लेकिन मोदी जी को तो हिंदू पॉपुलेशन को टारगेट करना था ताकि ज्यादा से ज्यादा हिंदू वोट अपने फेवर में आ सके। पहले ये हिंदू पॉपुलेशन को टारगेट करने वाली चीजें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में होती थी, लेकिन आज के टाइम पे ऐसे यूट्यूबर्स भी हो गए हैं जो हिंदू लोगों को सिंपैथी देते हैं व्यूज के लिए और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लास्ट में यूट्यूबर्स की जेब भर जाएगी, इन पॉलिटिकल लीडर्स को कुर्सी मिल जाएगी और फिल्म डायरेक्टर भी मोटा पैसा छाप के चला जाएगा, लेकिन दरार पड़ जाएगी आप लोगों में और देश हिंदू मुस्लिम करने में ही रह जाएगा। इसलिए अंधवक्त ना बनिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल खुद करिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।